जैसा कि हमने बताया था दर्शकों की पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं और उनका रोड शो शुरू हो गया है। तो आप सड़कों पर देख सकते हैं, सड़क पर पीएम मोदी निकले हैं और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग वहां पर उनका स्वागत करने के लिए इस समय मौजूद हैं। और ये पीएम का रोड शो जो है शुरू हो रहा है और हो चुका है बल्कि कहें, और पीएम मोदी इस समय गाड़ी में नहीं है, सड़क पर है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं। गाड़ी जो है वो पीछे चल रही है। ये दृश्य अभूतपूर्व है कोची के लोगों के लिए भी, सभी के लिए। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग किस तरह से, तो ये दोनों तरफ सड़कों पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उमड़े हैं और इस रोड शो की तैयारी भी काफी बीजेपी ने की है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं कि आए हैं। कई लोग जो है अपने मोबाइल लेकर के पीएम मोदी का वीडियो बना रहे हैं और पीएम मोदी भी अपने पारंपरिक जो केरल का परिधान है उसमें निकले हैं और साथ ही सड़क पर चल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये एक अलग ही दृश्य है कि अमूमन रोड शो में होता ये है कि वो गाड़ी में सवार होते हैं, लेकिन यहाँ कोची में वो सड़क पर चलकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पुरुष महिला बूढ़े जवान सभी शामिल हैं प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए। आज पीएम नरेंद्र मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा है और जैसा कि हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत उनकी मध्य प्रदेश से हुई थी जहां पर उन्होंने पंचायती दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब वो केरल आए हैं, आज यहां पर भी उनके दो तीन बड़े कार्यक्रम होने हैं, इसके बाद वो युवा संगम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि 8 जो अलग अलग ईसाई धर्मगुरु हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। आज रात्रि विश्राम भी पीएम नरेंद्र मोदी का कोची में ही और कल भी यहां पर उनके कई सारे कार्यक्रम होना है, जिसमें कि वाटर मेट्रो का लोकार्पण, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना, ये सारे कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के यहां पर होंगे अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और जो यात्रा है आपको बताएं दिल्ली से खजुराहो की, करीब 500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने आज सुबह की। उसके बाद वहां से वो रीवा गए, रीवा में उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद खजुराहो वापस आए, फिर उन्होंने यात्रा शुरू की है खजुराहो से कोची की। करीब 1700 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ कोची पहुंचे हैं। इस रोड शो के बाद वो फिर युवम कॉन्क्लेव जो हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी कोची से तिरुवनंतपुरम जाएंगे, करीब 190 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम से सूरत होते हुए सिलवासा जाएंगे, करीब 1500 किलोमीटर की दूरी कल तय करेंगे। और इसके बाद वहां पर वो नमो मेडिकल कॉलेज उसका लोकार्पण करेंगे, साथ ही कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे। इसके बाद वो दमन जाएंगे जहां पर कि देवका सी फ्रंट का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद उनकी यात्रा सूरत की होनी है और सूरत से वो वापस दिल्ली आएंगे। तो कुल मिलाकर के जो आज उनकी सुबह यात्रा शुरू हुई है, कल जब वो खत्म होगी तो 5300 किलोमीटर का सफर पीएम नरेंद्र मोदी पूरे कर चुके होंगे। ताकि एक झलक अपने प्रधानमंत्री के पास सके। ये 36 घंटे का कार्यक्रम है, काफी व्यस्त कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का है। और इस समय जो रोड शो हो रहा है ये एक अलग तरह का रोड शो, जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी सड़क पर चल रहे हैं पारंपरिक परिधान में और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग उनका अभिवादन करते हुए, लोग अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी अपनी ले रहे हैं। और केरल की जो 2 दिन की पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा है, इसमें कई सारे कार्यक्रम उनके होने हैं, जिसमें कि वाटर मेट्रो इसका लोकार्पण किया जाएगा। ये अपने आप में एक अनूठी परियोजना है, भारत में पहली बार वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। दरअसल ये बोट है जो कि अत्याधुनिक बोट है और इसकी जो शक्ल है वो मेट्रो जैसी ही है, सारी सुविधाएं भी जिस तरह की मेट्रो होती है वैसी ही उनकी सुविधाएं हैं और इसीलिए इसको वाटर मेट्रो का नाम दिया गया है। लगातार पुष्प वर्षा जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं और किसी बड़े फिल्म स्टार की भी इतनी लोकप्रियता नहीं होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोगों के बीच में हैं, केरल के कोची शहर में हैं और एक बड़ा हुजूम लोगों का उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर पहुंच चुका है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका, लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के लिए पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए समर्पित रहते हैं, ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारक है। स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इस देश के गरीब गुरबे हैं, जो हाशिए पर लोग हैं,
और आज सुबह मध्य प्रदेश में भी काफी व्यस्त कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का था, जहां पर कि उन्होंने रीवा में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और यहां पर उन्होंने कई जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी वो की हैं और साथ ही उन्होंने वहां पर लोगों के साथ संवाद भी किया है। केरल की यह यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे अपने विशेषज्ञों के साथ, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जो है अल्पसंख्यक मामलों के उनके साथ भी हमने चर्चा की कि आज की जो ये यात्रा है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि केरल एक वो राज्य जहाँ पर कि बीजेपी अभी तक इसे भेद नहीं पाई है इस किले को, और वहाँ पर आरएसएस का एक बहुत ही ताकतवर नेटवर्क होने के बावजूद बीजेपी को चुनावी सफलता वहाँ नहीं मिल पाई है। हालांकि 2016 में बीजेपी को एक विधायक विधानसभा में भेजने में कामयाबी जरूर मिली थी, लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी को ये कामयाबी नहीं मिल पाई। अभी विधानसभा में उनका कोई भी सदस्य नहीं है। पार्टी की कोशिश यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी ताकत बढ़ाई जाए। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर कि कर्नाटक में उसकी सरकार है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य जहां पर कि बीजेपी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तेलंगाना में वो इस समय बीआरएस को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और केरल में जहां पर कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही सरकारें बदलती रहती हैं, बीजेपी तीसरी ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। वहां के कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी को जो वोट मिले उससे बीजेपी का हौसला बुलंद भी हुआ है। पार्टी को लगता है कि केरल में उसके लिए संभावनाएं हैं और इसीलिए आज जो एक मीटिंग होने जा रही है 8 पादरियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की, इसको भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 18% से अधिक ईसाई आबादी केरल में है और बीजेपी अब उन्हें अप्रोच कर रही है, आउटरीच कर रही है। और हाल ही में जब ईस्टर हुआ तो बीजेपी ने तमाम जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के घरों में आमंत्रित भी किया था। ईद पर भी इसी तरह से आउटरीच किया गया था और ईद पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आमंत्रित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसका सुझाव दिया था। हैदराबाद में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो वहां पर स्नेह यात्रा निकालने का सुझाव पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आया था, जिसमें यह कहा था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके मन में विश्वास बीजेपी के प्रति जगे, जो एक तरह की दूरी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है उसको पाटा जाए। और साथ ही उन्होंने खास तौर से पसमांदा समाज की बात भी की थी, जो कि मुस्लिम में पसमांदा समाज है, और कहा था कि उनके पास भी बीजेपी को जाना चाहिए। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर बीजेपी ने पसमांदा समाज के सम्मेलन किए और इस समय पीएम नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, जमकर स्वागत हो रहा है। केरल में कोची में इस समय पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है, जहां पर कि पारंपरिक जो परिधान है उसमें पहने हुए पीएम नरेंद्र मोदी सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये रोड शो बाकी रोड शो से इस लिहाज से बहुत ही फर्क है इसमें, क्योंकि अमूमन होता यह है कि वे गाड़ी पर सवार होते हैं और गाड़ी के या तो दरवाजा खोल करके खड़े होते हैं और फिर लोगों की तरफ हाथ हिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ दी हैं उन्होंने, गाड़ियाँ पीछे हैं और वो खुद सड़क पर चल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तरह से अब जनता उनका स्वागत करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है, उन पर पुष्प वर्षा करना चाहती है, तो प्रधानमंत्री भी पूरे खुले मन से पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों का स्वागत स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उनके स्वागत को अपने तौर पर दे पाए। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें वो दिखाती है कि यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बिल्कुल, और जी जिस तरह से आप देख रहे हैं फूलों से लगभग नहला दिया है प्रधानमंत्री को, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, और जिस तरह से देखने में आता है जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब प्रिय खिलाड़ी या जो इससे बाद जो तुरंत प्रोग्राम होने जा रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। युवा संगम होगा और इस युवा संगम में केरल के अलग अलग हिस्सों से 1 लाख से भी अधिक युवा हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो जनता के साथ पहला तो उनका संपर्क यहाँ पर रोड शो के जरिए हो रहा है। इसके तुरंत बाद 6 बजे का समय दिया गया है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी युवा संगम में हिस्सा लेंगे और यहाँ पर युवाओं के लिए उनका क्या एजेंडा है, उनकी क्या सोच है, बीजेपी क्या सोचती है, उनकी सरकार ने क्या क्या किया है, इस बारे में केरल के युवाओं से उनका सीधा संवाद होगा। और इसमें अनिल एंटनी, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे हैं, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी इस युवा संगम में मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से बीजेपी
युवाओं को आगे लाने का संदेश भी ये देगी कि किस तरह से जो दूसरी पार्टियों के युवा नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी जो है वहाँ पर कई छोटे छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी करने का प्रयास करती आई है और कई छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया भी है। आने वाले वक्त में भी बीजेपी की रणनीति यही होगी कि ऐसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए जो यूडीएफ या फिर एलडीएफ के साथ नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी ईसाई समुदाय की ओर हाथ बढ़ा रही है, आउटरीच कर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस की भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। कांग्रेस को लगता है कि ये उसके वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास बीजेपी केरल में कर रही है। कांग्रेस को वहाँ पर झटका लगा था इस विधानसभा चुनाव में। अमूमन ये होता है कि हर 5 साल में यूडीएफ एलडीएफ के बीच में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। एलडीएफ ने दोबारा सत्ता हासिल की थी और इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी के आने से और बीजेपी जिस तरह से क्रिश्चियन समुदाय में आउटरीच कर रही है कहीं उसको नुकसान ना हो, इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी पर इसे लेकर तीखा हमला भी बोला है। और आपको ये बता दें कि लोकसभा में अगर कहीं से ताकत कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिली थी तो केरल ही था, जहां पर कि कांग्रेस ने ज़बरदस्त लोकसभा सीटों को जीता था। राहुल गांधी भी वायनाड से चुनाव जीत करके आए थे, जहां अब उनकी मेंबरशिप लोकसभा की जा चुकी है। तो केरल कई लिहाज से महत्वपूर्ण है और यहां पर हम देखते आए हैं कि लगातार आरएसएस और लेफ्ट का जो काडर है उसके बीच में हिंसक संघर्ष होता आया है। आरएसएस की जो ताकत है, जो पकड़ है, वो केरल के कई हिस्सों में काफ़ी मजबूत है। इसके बावजूद भी ये ज़रूर होता आया है कि बीजेपी को चुनावी कामयाबी नहीं मिलती है, तो बीजेपी अब इसी को तोड़ना चाहती है। कुछ देर पहले हमने आपको पीएम नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुनवाया था जब मणिपुर, माफ कीजिएगा, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत के बाद जो उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में दिया था, उन्होंने कहा था कि गोवा में भी ईसाई समुदाय के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, मेघालय और नागालैंड में भी साथ दिया है, तो उन्हें उम्मीद है कि केरल की जनता भी अब एक नया इतिहास लिखेगी। उन्होंने कहा था कि यूडीएफ एलडीएफ चाहे केरल में आपस में लड़ते हों लेकिन जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो ये हाथ मिला लेते हैं, तो केरल में कुश्ती और दूसरे राज्यों में दोस्ती, ये बीजेपी यहाँ पर उजागर करेगी और केरल की जनता का साथ अपने साथ लेने के लिए पूरा प्रयास करेगी। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी कह सकते हैं कुछ ही दिनों पहले यह बात कही थी। तो बीजेपी निश्चित तौर पर अपना जो 2024 का मिशन है उसके लिए केरल को काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य मान रही है और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन का समय केरल को दे रहे हैं। अभी कोची में आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब वो गाड़ी पर आ गए हैं। कुछ देर तक वो सड़क पर चलते रहे रोड शो में, अब वो गाड़ी में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज रात कोची में ही बिताने के बाद कल वो तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जहां पर कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जाएगा।